Thank you.
परीक्षित महाराज ने कहा कहीं गए पर निश्चित हो ब्रह्म सिंह पहले में निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाने वाला था किंतु मेरे पिता वैष्णव जी से सुंदर अमृतमय इस भागवत कथा सुन करके मैं ब्रह्म ज्ञानी भी भगवत कथा इतने सुंदर है बड़े बड़े मुमुक्ष जन मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के भी भगवत के प्रेम समुद्र में उसको दूर जो संसार से विरक्त होकर के निवृत्ति मार्ग जन सन्नास लेकर के ब्रह्म के ओर चल रहे निर्विशेष सेवा निर्विकार ब्रह्म ज्ञान के लिए जा रहे थे। ऐसे व्यक्ति यदि भागवत का श्रवण करे तो ब्रह्म ज्ञान की छोड़ देते काली कथा का लोग श्रवण कर देते भगवत कथन कितनी सत्य आत्मरामस्य मुरानो इस कथा को आरंभ में वर्णन किया निपीड़ तत्वी प्रभु सदास पुत्र मनोभिरामा इस संसार में जो त्रिता जल के द्वारा जल में झुलस रहे हैं आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक इसी को कहा जाता है देवताओं के द्वारा अनेकों प्रकार रोग शोक व्याधि आ जाते अधिक बारिश हो जाना और बारिश नहीं होना ये देवता से देवता लोग रुष्ट हो जाने से इसके कारण आदि गरीब का बाढ़ आ जाती है मत घर आदि नदी में बह करके चले जाते हैं अनेकों प्रकार के रोग बीमारी फैल फैल जाता है ये समस्त देवता की रुष्ट से होते हैं इसलिए कहा जाता है इसको आदि दैविक कहा जाता है आदि भौतिक दूसरे जीवों के द्वारा जो हम लोग कष्ट भोगते हैं जैसे सांप कुत्ते आदि कर देते हैं बंदर आदि काट देते हैं दूसरे जीवों से हम लोग जो कष्ट भोगते हैं उसे कहते हैं आदि भौतिक आध्यात्मिक मन में जो कष्ट होता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक किंतु भगवत का श्रवण करने से ये त्रिताप ज्वाला कष्ट अपने आप इसलिए कहते हैं निवृत्त तब से उद्यमान अनुभव सदस्योत्र मन को मिलाना और उत्तम श्लोक गुणानुवाद ऐसे कथा को कौन सुना नहीं चाहते सभी लोग सुनना चाहते किंतु सुखदेव को संपाद कर कहते महाराज करके एक ही व्यक्ति भागवत कथा सुनना नहीं चाहते कौन बिना पशु बिना पशुओं के जो मारने वाले उसके हत्या करने वाले पशुओं के कैसे कष्ट देकर के पत्ता करते हैं मारते हैं ऐसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति वो भगवत कथा सुनते हैं कहने की तत्पर्य है जो भगवत कथा सुनते हैं वो पति वो दुर्भाग्य भगवत कथा श्रवण मात्र से ही
सारे किताब जला दूर हो जाता है, दुख का नाश हो जाता है और साथ ही साथ सुख प्राप्त। इसलिए भागवत कथा मुझे अत्यंत श्रद्धा के साथ, नियम के साथ, विधि के साथ श्रवण करना चाहिए। विशेषकर इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय भगवत का श्रवण करें। आप नास्तिक और अस्तिक या विचार नहीं क्या, जो भगवत का श्रवण करते हैं वो पति को पुण्यवान है। अभी भगवत कहेंगे प्रारंभ में हमारे व्यासदेव जी ने पढ़े तो पुराण किया, 18 पुराण उन्होंने पहले वेद को रचना, फिर वेद को उन्होंने विभाजन किया, चार वेदों ने वेद उन्होंने रचना की, ऋग साम यजुर् अथर्व, चार वेदों वेद को अपने चार शिष्यों के लिए अच्छी तरह से पढ़वा पढ़ाया, किंतु देखा वेद अत्यंत जो है क्लिष्ट शब्द था, सभी की समझ में नहीं आ रहा है वेद की भाषा, वेदों की भाषा इतने क्लिष्ट है और उनके अर्थ इतने गंभीर भी है, गंभीर भी है, साधारण लोगों की समझ में नहीं आ, इन वेदों की कर्मकांड और ज्ञान कांड भक्ति कांड, जैसे जैसे अधिकारी लोग होते हैं ऐसे अधिकारी लोगों के लिए ही वेद रचना है, तीन प्रकार के लोग होते हैं, कोई सात्विक लोग होते हैं, कोई राजसिक लोग होते हैं, कोई तामसिक लोग होते हैं, जैसे जैसे लोग होते हैं ऐसे लोगों के लिए भी वेद उन्होंने रचना किया, तथापि जनकल्याण नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद उन्होंने किया कि वेदांत सूत्र भी रचना कर दिया, सारे 500 वेदांत सूत्र रचना, तथा ब्रह्म जिज्ञासा जन्म जन्मादस्य यतः ऐसे श्लोक की रचना किया, किंतु तथापि लोगों की कल्याण नहीं। इसके पश्चात उन्हें उपनिषद रचना, 11,180 उपनिषद उन्हें रचना, तथापि लोगों की पूर्ण कल्याण नहीं। उन्होंने इसके पश्चात उन्होंने पुराण रचना, 18 पुराण रचना, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण की रचना। यह श्रीमद् भागवतम सात्विक पुराण है। इस भागवत का तो श्रवण करने से जीवों के सर्व प्रकार कल्याण हो, सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम मिश्रते, समस्त वेद पुराण परिषद के सार श्रीमद् भागवत, जिस प्रकार घी समस्त दूध दही की सार कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार की श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवत मिश्र। इस भागवत कथा के किसी से थोड़ी सी रुचि हो जाए तो और भी कथा सुनने की इच्छा नहीं, ऐसी सुंदर कथा नहीं इसमें, ज्ञान वैराग्य आदि इसमें सब जुड़े हैं और सारे में भक्ति नहीं हो जाती, ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाता है। नारद जी से भक्ति की महिमा भी जगत में प्रचार कर सारी भक्ति देवी कहने लगी, उत्पन्नेन्द्राविले
मेरे उत्पन्न है जन्म द्रविड़ मेरे स्थान में और फिर मेरे दुख दो पुत्र के हाथ साथ में मैसूर में आ गया मैसूर में और फिर मैं जब गुजरात में गई मैं बुढ़ी और मेरे दो पुत्र बहुत सत्बलिष्ठ हो गए। फिर मैं वो गुजरात को छोड़ करके मैं वृंदावन आया। जब वृंदावन में आए आश्चर्य हो गए मेरे दो पुत्र बूढ़े हो गए वृद्ध हो गए और मैं युवती बन गई। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते सबद तीर्थ भ्रमण करते करते काशी गया गंगा नर्मदा आदि अनेकों तीर्थ उत्तर पश्चिम दक्षिण जितने भी भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ आदि है समस्त तीर्थ आदि भ्रमण करते करते वृंदावन में पधारे। यमुना की सुंदर स्थान वह वृंदावन जहाँ पर तमाम वृक्ष आदि और कदम वृक्ष आदि के द्वारा सघन ऐसे सुंदर स्थान ये वृंदावन की महिमा कौन वर्णन कर सकते वृंदावनम की वृंदावन यहाँ पर सुंदर पवित्र निर्मल पशु पक्षी आदि विराजमान रहते हिरण आदि यहाँ पर कुहकते कोयल कुहकते हैं जहां पर मयूरी के का धनी के द्वारा उस स्थान के सुंदर मुखरित कर दिए जहां पर संत महात्मा विराजमान हुए ऐसे सुंदर पवित्र वृंदावन हुए नारद जी कहने जब वृंदावन में आगे देखा वह वृंदावन जब मैंने तट पर वह युवती भक्ति देवी अपने दासियों के द्वारा सेवित हुए उनकी कई दासियां हैं पंखा लेकर के चावल लेकर के झलक सेवा करते किंतु बेचारे दुखी होकर के शिशक शिशक करके रो और उनके अनेकों दास दासियां उनके आगे पीछे है कोई सांत्वना दे रही है देखा क्या उनके पास वह भक्ति देवी के पास उनके दो पुत्र वो है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहने लगे आप कौन अपने परिचय दो। तब कहने लगे मैं भक्ति देवी हूं मैं वृंदावन जाने के साथ ही साथ मैं युवती बन गई और मेरे जो पुत्र जो है वृद्ध हो गए कैसे हो सकता इसमें मैं हूं ये नाम ऋषि आप तो त्रिकालक कहे सर्वज्ञ कहे ऐसे के उपाय बताइए। मेरे तीनों हम लोग तीनों एक साथ में यहाँ पर रहे सुख शांति में नारद ऋषि कहने लगे मैं नारद ऋषि जो कि संत पास गए और उन्हें यह बताया कि भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही सब सुख और शांति तेरी भाई भक्ति देवी के निकट भागवत कथा श्रवण और सदी की सुख शांति तात्पर्य है जहां पर भक्ति देवी विराजमान होती है उनके निकट ज्ञान वैराग्य अपने पास है। वृंदावन एक सिर्फ ऐसे एक मनोरम सुंदर सिद्ध स्थान है जहां पर ज्ञान वैराग्य रहते हैं किंतु उनके प्रभाव नहीं है भक्ति देवी सच्चा विराजमान उनके दासियां मान समस्त तीर्थ आदि जिनके चरण उनकी सेवा भक्ति चैत्रता भवन यदि साथ दैवीर सुमृति मुक्ति से मुक्तांजलि शिवते अस्मान धन्य
धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। भक्ति देवी प्रकट होने के साथ साथ धर्म अर्थ काम और मुक्ति देवी आ जाती, सेवा करने के लिए। इसलिए कहते हैं इसके हृदय में भक्ति देवी उत्पन्न हो जाए, उनकी सभी उनके पास आ जाए। इसी प्रकार भक्ति देवी की महिमा, भागवत की महिमा हमारे आचार्य पाद में इससे मतलब भागवत ऐसे एक अमल पुराण है जिसमें हमारे वैष्णव गोस्वामी पाद इस ग्रंथ में गायत्री मंत्र के द्वारा ही यानी प्रणव मंत्र के द्वारा ही उनकी स्तुति कर दिया है। और प्राण में किसी गणेश जी के विघ्न नाश करने के लिए किसी देव देवियों की स्तुति आ रही है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथ है जिसमें से वैष्णव जी किसी देव देवियों की स्तुति आ रही है। मंगलाचरण इसमें डायरेक्ट में सच्चा रूप में गायत्री मंत्र के द्वारा ही श्रीमद् भागवत प्रकटित हुए, प्रारंभ हुई और गायत्री मंत्र के द्वारा ही श्रीमद् भागवतम समाप्त हुई। सब कथा द्वादश स्कंध में ही वर्णन कर श्रीमद् भागवतम ऐसे अमर पुराण ग्रंथ है। जन्मादर्शजतो अन्नयादिकदा आदिकवे मुज्जन्ति यत्सूरयः तेजोबाली मृदं जथाभिनियोजत्र सर्गो मृषा धम्मासेन सदा निरत्वं कुहकं सत्तं परं धीमहि सत्तं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत की प्रतिपादित दिशा श्रीमद् भागवत एकमात्र ब्रजेंद्र श्याम सुंदर की ही स्थापना करता है जिससे सब कुछ प्रपत्रित हुई है। जन्म आदि जन्मादि जिससे उत्पत्ति स्थिति और विनाश भगवान से सब कुछ प्रकट हो गया। भगवान के द्वारा ही हम सब जीवित बचे हैं और भगवान की इच्छा से हम सब इस संसार में सब कुछ छोड़ करके चले जाए। एक कथा में बता रहा कोई एक बार कथा व्यक्ति ने उठ करके प्रश्न किया, महाराज जन्म लेना तो अच्छे सुख की बात, किसके घर में बालक जन्म लिया आनंद की बात, किंतु भगवान ने मृत्यु के शब्द व मृत्यु ऐसे क्यों रखा दी है? प्रश्नों को बताया जैसे किसी घर में बालक जन्म लेते हैं सब आनंद होता है और वही बालक जब युवा बनते हैं तब विवाह आदि होते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं बहुत सुंदर, फिर वही बालक एक दिन जब वृद्ध हो जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं तब वो सभी छोटे जैसे मर जाते हैं, तब उनके सारे परिवार दुखी होते हैं। क्यों भगवान ने मृत्यु सत्य क्यों रखा? एक प्रश्न नहीं मिलता, हम लोग मृत्यु सत्य सुनना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहते। कोई एक व्यक्ति हाथ पाई ये महाराज मैं मरना चाहता हूं, बच्चा कोई नहीं चाहता, हम लोग जीवित रहना की संसार में रहना चाहते हैं। मृत्यु क्यों आ जाता है, मौत क्यों? ये तो बहुत अपशगुन शब्द होता है। मैंने सुन कहा देखो एक राजा जो माली को बुलाए, जो बगीचा में काम करने वाले ना मालिक को बुलाया, तो मालिक को बुलाया
दोनों ने जो है 10-10 बीघा जमीन दे दिया और सभी को जो है मानो 10-10 लाख रुपये भी दे दिए। राजा ने कहा देखो तुम दोनों ने सुंदर बगीचा बनाना मेरे लिए, बहुत सुंदर बगीचा बनाना। दोनों मालिक अपने अपने क्षेत्र में बगीचा बनाया, अनेक पेड़ पौधे लगाया, फूलों के पेड़ पौधे भी लगाया, सुंदर 10 बीघा जमीन दोनों मालिक दोनों तरफ इधर 10 बीघा उधर 10 बीघा जमीन, और अपने हाथ से सारे पेड़ भी लगाया, पौधे भी लगाया, पानी भी दिया, सींचने लगे। ऐसे करके 5 साल बीत गए। राजा दोनों मालिक को पुनः राज दरबार में बुलाया, अच्छा बताओ मैंने तुमको जमीन दिया, पैसा दिया, मेरे बगीचा कैसे हुआ? दोनों मालिक कहने लगे महाराज बहुत सुंदर, आपकी इच्छा के अनुसार सारे पेड़ पौधे लगाया, पानी भी सींच दिया, सब कुछ कर दिया। आपने जैसे जैसे पेड़ लगाने के लिए मुझे आदेश दिया मैं ऐसे लगाया। महाराज कहने लगे चलो काल में चलता हूं, प्रातः काल में बगीचा देखने के लिए। बगीचा देखने के लिए महाराज पहले मालिक के पास गए, देखा क्या वो सुंदर बगीचा, ऐसे सुंदर स्क्वायर के रूप में बनाया था, इतना सुंदर बगीचा था, सारीबद्ध होकर के पेड़ पौधे लगे हुए, पेड़ में अनेकों प्रकार से फल लगे हुए हैं, देखने बहुत सुंदर था वो, अलग अलग फलों की पौधे सुगंध आ रहे हैं, इतना सुंदर, चारों तरफ अनेकों वृक्ष आदि उन्होंने लगाया, और जैसे जैसे होते हैं उसे भी उसको डाल कर लोग छाट दिया काट दिया, कहीं पर एक घास भी दिखाई नहीं पड़ा, साफ सुथर करके रखा, देखने में इतने सुंदर था। महाराज अपने परिवारों के साथ मंत्रियों के साथ उस बगीचा के गए निरीक्षण करने लगे, देखने लगे, ऐसे से देखा सुंदर पेड़ों पेड़ों पर जो कोयल भी बैठे हुए हैं, कोयल कुहक रहे हैं, ऐसे कोयल कोयल बहुत सुंदर, मयूर मयूरी एक ध्वनि कर रहे हैं, देख करके महाराज की तबीयत बहुत खुश हो। महाराज कहने लगे मालिक मेरे जमीन मेरे पैसा जो तुमको दिया तुमने अच्छी कहा, धन्यवाद थैंक यू कहते ना, अच्छा तुमने बहुत अच्छा बगीचा बनाया सुंदर बना। महाराज बहुत बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, वस्तु को बगीचा भी सुंदर था, देखिए कितने सुंदर था, फूलों के द्वारा सुगंध मिले हैं, अनेकों प्रकार के पुष्प भी सुगंध आ रहे हैं। महाराज ने प्रश्न करने लगे तुम क्या 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 कैसे ऐसे सेवा करते? कहने लगे महाराज मैंने अपने हाथ से एक पौधे लगाया, अपने हाथ से पानी भी डाला, जैसे जैसे पौधे बढ़ने लगे उसके अनुसार मैं उनको भी बड़ा करने लगे, कहीं डाल डाल कर हो गया उसको छाट दिया, स्टेलिंग कर काट दिया, डाल को काट दिए, फिर उनकी सीधे सीधी कर दी। आप लोग देखते हैं ना पार्क में कुछ पेड़ों के काट दिया जाता है उसी की हो जाए और उनके कुछ छत्र के भांति छा जाए, विदेश में हम देखते हैं, आप लोग जो विदेश में है ना रोड में देखोगे पेड़ लगा हुआ है उसके आधे आधे काट दिया जाता है, एक साल में ऐसे बिल्कुल छत्र के लाते हो जाता है, जैसे आप जाओ ना
बिल्कुल ऐसे लगेगा आप बिल्कुल वृंदावन के अंदर नहीं जा रहे। आदि देश में हमने देखा, यूरोपीय क्रांति में देखा, दोनों रास्ते के तरफ कितने सुंदर पेड़ लगाया जाता है और वो इस प्रकार के पेड़ बिल्कुल चित्र के होते इतने सुंदर और पेड़ की टाने जो इतने बड़े इतना सुंदर होता है मंदिर घाट पर से देखने की जाती है अजकल तो बहुत अच्छी बात है। वृक्षारोपण भी होनी चाहिए है, हरियाली होनी चाहिए, बहुत सुंदर महाराज को मानी महाराज को इसी प्रकार कहने लगे महाराज इस प्रकार में उसके अनुसार में पानी भी डाला खाद भी डाल दिया जैसे जैसे अनुसार महाराज बहुत प्रशंसक हमारे पैसा हमारी जमीन और तुम्हारी मेहनत सफल हो गया। चलो महाराज पुनः वो मालिक जो है मन पुनः लाखों रुपया जो दान कर दिया हाँ और भी इसको ऊपर और कुछ करा बड़ा और सुंदर लाखों रुपया महाराज कहने चलो दूसरी मालिक के पास वो कैसे बगीचा बनाया। महाराज अपने मंत्रियों के लेकर के थोड़ी दूर चले दूसरे मालिक ने बोला वो बगीचा कैसे है बगीचा कहाँ है दिखाओ मुझे। बगीचा देखे बिल्कुल गेट पर गए दरवाजा पर गए महाराज दूसरे के लिए प्रयास किया इतने घनाघोर जंगल हो गया पेड़ पौधे ऐसे हुआ था घना हुआ था उसको घुस नहीं पाए कांटे की झाड़ भी बन गया घास आदि ऐसे महाराज कहने लगे अरे मालिक ये तो बताओ बगीचा कहाँ है। बोले महाराज बगीचा देखना है तो यहीं से देख लीजिए आगे देख नहीं पाएंगे और घुस नहीं पाएंगे। बोले क्यों मैं कहते महाराज आपके इच्छा के अनुसार मैंने सारे पेड़ पौधे भी लगाया पानी भी डाला सब कुछ किया किंतु मेरे मन में एक भावना आ गया मैंने इस पेड़ पौधों के लगाया इसे दाल को मैं कैसे काटू इसे मैं कटाई खाद तो दे दिया पानी तो डाल दिया किंतु वो पेड़ पौधे के दाल को मैं कटाई नहीं छटा नहीं छटू इसलिए वो एक डाल दूसरे आधार से ऐसे लग गया और बिल्कुल घुस गया और कितने जो है घास कांटे आदि सब आ गए। महाराज कहे मूर्ख तुमको मैंने बगीचा बगीचे में पैसा दिया कि जंगल में पैसा दिया जंगल बनाने के लिए मूर्ख तुमको मैंने पैसा दिया बगीचा बनाने के लिए जंगल बनाने के लिए नहीं बगीचा बनाने तात्पर्य क्या संसार भगवान ने इसकी रचना की इस संसार एक सुंदर भगवान की बगीचा की है। हमारे आचार्य जी बात करते हैं ये संसार भगवान की सुंदर बगीचा है इसमें अनेकों प्रकार की है सुंदर सुंदर फूलों की पौधे सब लगी है। वो सब कौन है क्या आप लोग मेरे सब जीव भी संचय कर रहे भगवान ने इसको रचना इस संसार भगवान ने रचना किया ब्रह्मा के द्वारा ही रचना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की बताया गया किंतु मालिक के कर्तव्य को क्या होता है जब जरूरत होता है जिस पौधे की जहां पर लगाना है वही पर भी लगाते हैं ये जरूरी नहीं है इस पौधे यहां पर बीज लगाए उस पौधे वहीं पर रहे उस पौधे को उठा करके दूसरी जगह में उसको लगाना पड़ता है। जो आप किसान हैं ना खेती करते हैं चावल की खेती होती है ना धान की खेती होती है एक जमीन होता है
उस जमीन के जो है उस जमीन में धान होता है उसको बो दिया जाता है। जब उस दिन छोटा छोटा पौधा हो जाता है फिर उसको उठा करके दूसरी जमीन पर उसको लगाया जाता है। ये नहीं है वहीं पर धान बो दिया उसी जमीन में हमें धान आगे वो धान नहीं होगा। जो कृषक होता है धान जो लगाती है उसके लिए एक खेती से दूसरी खेती में उसको लगाना पड़ता है। फिर घास आ जाता है घास को उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। जरूरत होता है उसके भी छांट दिया काट दिया जाता है तब तो फसल होगा। फिर उसी प्रकार भगवान विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि किया। जब भगवान देखते हैं इस शरीर के द्वारा ये भजन कर नहीं पाएंगे इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं होगा तो भगवान उसके स्वयं ही उठा लेते हैं शरीर से फिर उनके दूसरी जगह में उसके दूसरी शरीर दे करके फिर उसको लगा। इसलिए मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं। हम लोग मौत के लिए दौड़ जाते हैं किंतु वास्तव मौत नहीं है। हम तो भगवान एक जगह से लेकर के दूसरी जगह में वो लगा। ये शरीर बुढ़ापा हो जाता है इस शरीर चलता नहीं इस शरीर में रहने के फायदे होते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं मेरे आत्मा की है इस शरीर से निकल करके दूसरी शरीर जमीन में वो लगा। जैसे माली फूल की बीज को लगाई एक स्थान पर और फिर दूसरी स्थान पर वो लगाती है। इसी प्रकार जरूरत होता है। इसी प्रकार भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय भी करते हैं। उनकी यही लीला है जीवात्माओं ने सुंदर सुंदर फूलों की कोई गुलाब माधवी मांगते थे जिसमन आदि समस्त फूल है आपके आपके शरीर में जो आत्मा वो सुंदर खिले हुए हैं फूल के भांति उस सत्संग में उसे प्रकाश करना। इसलिए मृत्यु के लिए डरता नहीं। जो संसार में डूबे रहते हैं उसके जिसको पता ही नहीं वो डरते हैं। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं ये शरीर एक कपड़े के भांति बसान से गिरना जथाध्यायो नवान गृहों के नरकों पर। जैसे हम लोग नया कपड़े का हम लोग पहनते हैं दो तीन महीने के बाद चार महीने के बाद छह महीने के बाद ये कपड़ा क्या हो जाता है फट जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं फटे हुए कपड़े को हम लोग फेंक देते हैं और नया कपड़े को हम लोग धारण करते हैं। फिर उसी प्रकार इस शरीर के कपड़े के भांति है इस शरीर के भी नियम होता है। बालगुण कैसो जैगुण जौगुण वृद्ध और अंत में मृत्यु जरा व्याधि होता है। जब जब भगवान की जरूरत होती है तो भगवान आत्मा के एक शरीर से मिलकर दूसरे शरीर में उसको इसलिए मन करें जन्मांतर जो समस्त प्रकार की है सृष्टि स्थिति प्रणय की सर्वनियंत्रण कहा है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णवयम नमः। जो समस्त जो है विश्व की सृष्टि स्थिति प्रणय करने वाले समस्त तापों के जो नाश करने वाले वह सर्वनियंत्रक सबके नियामक भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। इसके अनेकों प्रकार के पात्र हमारे आचार्य द्वारा भी बताया। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक समस्त भागवत की सार का है। एक ही श्लोक हम चर्चा करते रहे कितने दिन लगेगा केवल एक ही श्लोक श्रीमद्
तो सात दिन में भागवत कहाँ है, कथा समाप्त हो गई, एक ही श्लोक में हम रह गए हैं। इसलिए कथा को आगे नहीं बढ़ाते, भगवान के ऐसे लीलाओं के जय बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्य हो जाते हैं, उनकी लीला अधिक है समझना समझती। हम लोग के कितने सिर है, माता कितना है, एक है। और ये ब्रह्मांड के सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जिसको कहा जाता है, उनके सिर कितना है, चार, चार मथा वाले ब्रह्मा जी भी कभी कभी समझ नहीं पाते। मधुर गया दीरा बल गोपा गया बुधो मन गया पुष्करे चरण समय आ गया भाग में आ गए। इतने सुंदर गोपियां भी गाते हैं, मधुर है गिरा, हे गोविंद हे गोपाल हे मधुसूदन, तुम्हारी कथा को कोई समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे आचार को विचार को क्रिया को लीलाओं की कोई समझ नहीं पाएंगे। मधुर रहा गिरा बल तो बात गया, तुम कब क्या बोलते हो कोई समझ नहीं। बुधो मन गया बड़े बड़े भूत यानी पंडित लोग, बुधा पंडित था, बड़े बड़े पंडित लोग भी अच्छे समझ नहीं पाए। हम लोग एक मस्तक के द्वारा क्या समझेंगे, ब्रह्मा जी जिनके चार मस्तक है वो भी समझ नहीं पा रहे, ये विश्व ब्रह्मांड क्या है, कैसे चल रहे, क्या चीज हो रहे, तो इसी कथा सुना नहीं पाए। चार मस्तक वाले ब्रह्मा जी एक बार दारिकापुरी में पधारे प्रभु के साथ मिलने के लिए, सुंदर दारिकापुरी में पधारे ब्रह्मा जी प्रभु के साथ मिलने के लिए। इतने समय दारपाल ने गेट की बात रोक दिया, कौन हो, परिचय दो, तुम्हारे आईडी कार्ड दिखा, पासपोर्ट है, पासपोर्ट तो नहीं, अरे कुछ तो आईडी दिखाओ, अच्छा चलो आजकल क्या होता है भैया, आधार कार्ड, आधार कार्ड है, बोले वो कुछ नहीं, अरे ड्राइविंग लाइसेंस है तो दिखाओ आईडी, कहां से आए हो, कुछ तो भाई तुम्हारे रजिस्टर हो ना, टेररिस्ट है, अरे कुछ तो होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले मैं थोड़ी गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं तो हम सब आठ में चलता हूँ, आ जाता हूँ ब्रह्मा लोग सबको लोग से बस घर आ गया। हाँ जी ब्रह्मा जी भी चलते हैं ना, उनके कोई हमारे मन की गाड़ी नहीं चलाना पड़ता, स्टीयरिंग को लेकर वो तो बात उनके सुंदर जो है हम सब आप आते हैं ना उनके पास चलते हैं, कोई ऐसी शरीर मेरे पास कोई पूछने वाला नहीं है, मैं तो सही नहीं सृष्टि करता वाला हूँ, मेरे लिए क्या है, अच्छा ठीक है कम से कम तो कार की तो नंबर होगा सर, हम लोग जितने कार चलाते हैं ना नंबर है आपके पास, अच्छा आप लोग बताइए तो कौन सा कार में कोई नंबर नहीं है, ऐसी गाड़ी चलती है कोई गाड़ी रोड में चलती है, भाई आप गाड़ी चला रहे हो ना कोई कार के नंबर नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को आप कुछ भी अधिकारी हो सब अधिकारी के कार में नंबर लिखा जाता है,
आगे हमारे भारतवर्ष में जो रोड में चलती है जिसके नंबर नहीं पता है? हाँ अब मुझे बताया, नहीं बताया कौन सा हमारे भारतवर्ष के प्रेसिडेंट होते ना है, उसके गाड़ी में नंबर नहीं होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतवर्ष के जो प्रेसिडेंट जो है उनके कारण कोई नंबर नहीं होता। चलो अभी भी कथा बताता हूँ, तो मजाक कर रहा हूँ। वास्तव में सत्य है, ब्रह्मा जी बोले ना मेरे कोई ड्राइविंग लाइसेंस है ना मेरे कोई आई डी नहीं कुछ है। अच्छा बता नाम तो बता, बोले मेरे नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा हाँ अच्छा ठहरो, मैं प्रभु से परमिशन लेकर के आता हूँ। ब्रह्मा जी बाहर खड़े रहे, राजाधिराज महाराज दरगाधीश बलाधीश भगवान की खड़े रहे, बाहर खड़े रहे, गए दरबार गए प्रभु जी के पास। यहाँ पर भगवान सदा सभा में बैठ कर अपने कुछ काम कर रहे थे, भगवान व्यस्त है, दरबार खड़े रहे दो घंटे। भगवान कुछ काम से बैठे तो ऊपर सिर उठाए तो बोले अधिकार बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं भाई उनसे किसी प्रकार के सीमा हो जाए हमारे लोग जब अपने काम से निवृत्त होंगे तब बोले। दो घंटे खड़े रहे दर पर अंदर हनुमान भी कहा दो घंटे खड़े हुए। भगवान बोले क्या बात हुई कैसे लगे? दरबार बोले एक व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने के लिए। भगवान बोले कौन आए उसके नाम क्या है? पूछा बोले हाँ क्या नाम? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा उसके परिचय पूरा आईडी लेकर गया। दरबार के आगे बोले प्रभु जी पूछा मेरे प्रभु कृष्ण पूछने लगे ये कौन ब्रह्मा कौन ब्रह्मा है? अध्याय ब्रह्मा जी के सिर तक घूमने लगे। ब्रह्मा जी मन ही मन इच्छा करने लगे मैं छोड़ने वर भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने कहने लगे मेरे नाम सनक पिता तो ब्रह्मा ब्रह्मा। फिर दरबार गए भगवान अपने काम में व्यस्त थे दो घंटे खड़े थे हो गया कितने घंटे चार घंटे हो गया है? और चार घंटे का होते होते बस समझ गए उनके साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ लंच तक पूछा नहीं हुआ बस ये सब। भगवान बोले अच्छा जो तुम ब्रह्मा सरक्ति पर अच्छा ठीक है बुलाओ उनको। ब्रह्मा जी गेट पास उनके गेट पास मिल गया गए चलते चलते गए सुधवान सभा में जहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान थे। भगवान के प्रणाम करके बैठे स्वयं भगवान पूछने लगे ब्रह्मा जी कैसे हो सब ठीक है कैसे तुम्हारा हाल है? बिल्कुल पूछते हैं भाई लोग ही व्यवहार आदि करते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु मेरे मन में एक संशय क्या है अपने डाकों के पूछा कौन ब्रह्मा? मेरे मन में चल मैं छोड़ करके कोई दूसरी ब्रह्मा ब्रह्मा है मैं तो जानती है कि मैं ब्रह्मा हूं। भगवान हंसने लगे अच्छा बैठ उसी सुधर्म सभा में से भगवान केवल आंख बंद करके स्मरण करेंगे साथ ही साथ सैकड़ों ब्रह्मा आ गए जिनकी मस्तक कितने था इसके मतलब आठ माता वाले ब्रह्मा इसके सोलह माता वाले ब्रह्मा इसके बत्तीस इसके हजारों संख्या माते वाले ब्रह्मा उनके शरीर भी विशाल विशाल शरीर सबके मस्तक पर सुंदर सुंदर मुकुट लगे हुए हैं। ऐसे ब्रह्मा नहीं ऐसे शिव इंद्र आदि बड़े बड़े दिग्पाल आकर के जिनकी चरण को कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे किंतु भगवान के
योग माया के द्वारा जितने भी ब्रह्मा आए हैं एक दूसरे के देख नहीं पा रहे, कि तो हमारे चार माता वाले ब्रह्मा तो सब देखे, सबको देख रहे, समझ में आए। ये चार माता वाले जो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के जो मालिक सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा वो सबको देख रहे हैं, किंतु और जितने ब्रह्मा जी आए हैं नौ एक दूसरे के देख रहे हैं, उसके सभी कृष्ण के दर्शन और सभी भगवान के चरण में प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम करने के समय एक दूसरे के मुकुट लगने से ठन 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 ऐसे शब्द होते हैं, जैसे दो बर्तन लग जाते हैं शब्द होता है, उसी प्रकार एक ब्रह्मा दूसरे एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा जब भगवान के चरण में नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे उनकी मुकुट से ऐसे शब्द होते हैं। ब्रह्मा जी हमारे चार माथे वाले ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्य, जैसे विशाल हस्ती है हाथी है और हाथी के सामने जैसे छोटा सा मच्छर होता है ना, मच्छर के माथे वाले ब्रह्मा जी श्री कृष्ण सभी कुशल पूछा, आप सब ठीक है प्रभु जी, मैं ठीक हूं, आप जहां पर विराजमान हो कोई अवसर तो हो नहीं सकता, सब कुशलम कुशलम सर्व कुशलम भगवान कहने लगे ठीक है जाओ अपने अपने स्थान पर जाओ। सभी ब्रह्मा दीपाल शिव आदि बड़े बड़े दीपाल सब इंद्र आदि बड़े बड़े दीपाल सब अपने स्थान पर चले गए। उस समय चार मथुरे ब्रह्मा जी पुनः भगवान के द्वारा आकर के प्रणाम करके कहने लगे प्रभु मेरे हृदय में जो अहंकार था वो सब दूर हो गया, मैं पहले सोचता था मैं केवल एक ही ब्रह्मा हूं या जो विश्व ब्रह्मांड में देखेगा, पर सुन रहे इससे इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा ब्रह्मांड कहा जाता है, इससे बच्चा नहीं कितने ब्रह्मांड है आप अनुमान नहीं कर सकते, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड के परिधि जो है डायमीटर है इस ब्रह्मांड से दोगुना तीन गुना चौगुना सौ गुना हजारों गुना वो ब्रह्मांड है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है उनके शरीर भी उसी प्रकार के हम लोग इसको सोच नहीं सकते, आप लोग कुछ बोले तो हमें लगेगा महाराज कुछ हमें कहानी सुना वास्तविक है वास्तव सत्य है। हमारे विद्या देवी ने इस मन का कोई पद नहीं ये ब्रह्मांड जो है सबसे छोटा चतुर्दश ब्रह्मांड कहा जाता है। फटिंग प्लांट की सिस्टम सात ऊपर है और सात लोग नीचे ये इस लोग के कहा जाए भूलोक कहा जाता है, पृथ्वी से होकर भूलोक कहा जाता है, भू भूव मोह धर्म तप सब कर और नीचे ब्रह्मांड होता हम लोग क्या समझ पाएंगे इसके बारे में, भगवान इसी प्रकार कैसे कैसे लीला भी करते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। आधुनिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान जो है पुरान साइंस आज तक भी इसके पार नहीं पाया कहां है, भागवत वर्णन कर दिया है सप्त समुद्र है सप्त दीपान्विता सप्त दीपचाकिनी है सप्त समुद्र जिस समुद्र हम लोग देख रहे हैं इस समुद्र के कार्य कर लवण समुद्र जिसके जल खारी है इसे कार्य कर लवण समुद्र लवणार लवणार लवण इस समुद्र के हम लोग इसके पश्चात अनेकों के आठ छह समुद्र भी है जैसे नदी समुद्र दुग्ध समुद्र दही के समुद्र है शहद के समुद्र है घृत के समुद्र है घी के समुद्र है एल्कोहल मदिरा के समुद्र भी है ये समुद्र हमारे वर्णन नहीं सकता श्रीमद् भागवत मॉडर्न साइंस आज तक भी इसके अनुसंधान कर नहीं पाए जो हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल भूगोल में जियोग्राफी में
इतिहास तो हम लोग पढ़ रहे हैं, किंतु आत्मिक सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। काम श्रीमद भागवत जीवन सुना नहीं रहे, इसमें विश्व ब्रह्मांड की कथा हम क्या समझते हैं? आकाश में कितने ग्रह नक्षत्र तारे आदि है, आज तक भी इतने दूर दूर वो समस्त तारे आदि है जिसके जो है लाइट अभी तक जो है पृथ्वी में पहुंच नहीं पा रहा। ऐसी समस्त आश्चर्य ब्रह्मांड की सृष्टि जो है ये समझना मनुष्य के लिए संभव है। इसलिए कहते हैं जन्मावश्य विचारणावंतरवश्य उस है भगवान स्वतंत्र पुरुष है, समस्त प्रकार की उसकी अभिज्ञता है, ज्ञान। इसी कहते हैं ब्रह्मा आदि परे जन दृश्य तेज बारे विराम तथा विनिमय तेज बारी मृदान जल स्थल स्थल में जल प्रती हो जाता है, भ्रम पैदा जिनकी वंशी धनि से भी स्थावर जंगम बन जाते हैं, जंगम स्थावर बन जाता है। जो चलने वाले नहीं है तो चलना शुरू कर देते हैं, और जो चलने वाले जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है। बहुत से गंभीर अर्थ नहीं है, समय पर अच्छा नहीं करना भगवान के अनंत लीलाएं है, ये सब चल रहा है। इसका हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, ये भी समझ नहीं पा रहे कि शरीर क्या है, इस शरीर में है क्या चीज, आत्मा है क्या, वो आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, ये भी हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग तो दो शब्द जानते हैं जन्म और मृत्यु का, आत्मा जब शरीर में आ जाए तो हम उसे जीवित करते हैं। अभी हम शरीर में ये आत्मा है, हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। ये आत्मा जब शरीर से चली जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मर गए, डेड कर लोग, मर गए शब्द बाहर करते हैं। कहां गए ये भी हमें बता रहे हैं, भाई हम पूछे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, आप कहेंगे पिताजी इंग्लैंड गए, अमेरिका गए। फिर हमारा प्रश्न होता है कब आएंगे, आप कहेंगे एक महीने बाद आएंगे, जो तो पिताजी ऑफिस के काम के लिए इंग्लैंड गए अमेरिका गए। तो कहेंगे भाई कब आएंगे तुम्हारे पिताजी, आप मुझे कहेंगे एक महीने बाद आएंगे, उनके वीसा एक महीने की एक महीने बाद आएंगे। किंतु आप मुझे बताइए हम जो सत्य जो व्यवहार करते हैं मर गए, अरे मर गए कहां गए, बोले मर गए, कब आएंगे बताइए, कभी नहीं आएंगे, जब मर जाते हैं कभी नहीं आता इसे। हम सत्य व्यवहार करते हैं, इस शरीर में कौन 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 रहता था, कहां चले गए, बोले ये भी मुझे पता नहीं। हम तो इतना ही कहते थे आत्मा थी आत्मा चली गई, अरे आत्मा वो कितना बड़ा था, लंबी था, चौड़ी था, छोटी था, काले था कि गोरी थी, देखा अपने आत्मा को, देखा नहीं शरीर को, आत्मा तो कहां थी। तथा हम लोग विश्वास करते हैं इस शरीर में आत्मा है, इसलिए शरीर चाहिए, इस शरीर से जो आत्मा दी जा रही है, बस इस शरीर में पांच तत्व है, पंच महाभूत का है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच तत्व जो है अपने आप को अलग हो जाए। आत्मा जब चली जाती है इस शरीर से जल जल जो है वो पानी अलग हो जाएगा। आपको देखा कि मृत जल मुर्दा को देखना कुछ समय तक रहेगा, पांच सात घंटे दस घंटे के बाद आप देखना उस मुर्दे के शरीर से जो है पानी निकल जाएगा, दो चार दिन में तो और दुर्गम तो हो जाएगा, अरे जब पानी पानी फैल जाएगा बंद हो गया, कुछ दिनों के बाद कुछ नहीं, शरीर में जो हवा हवा मिल जाएगा,
धर्म क्या है, इसी श्रीमान भागवत इस समस्त अनुसंधान दे रहे हैं। बता रहे अभी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे, इसलिए तेज जो बात बता रही हूँ इस पर हम न जी न सदा सदा निरक्त वह कम सत्तर परम जीवन वास्तव की जान करना कितनी सहज है। यह श्रीमद भागवत ही सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प सहित भगवान अपने अपना संकल्प करने के मात्र ही सब कुछ हो जाता है। इस श्रीमद भागवत की कथा किस श्रवण करें उनकी सारी पाप दूर हो जाए। यहां तक द्वितीय श्लोक में भी कह रहे हैं श्रवण करने के बहुत दूर की बात है, कहीं भागवत कथा हो रही है चल रही है एक बार भी मन ही मन सोच ले आज मुझे भागवत कथा में जाना है। इतने सुनने के साथ ही साथ सुस्वादना बड़े श्रवण करने की इच्छा करने के मात्र ही स्वयं भगवान और स्वयं भगवान के हृदय में बैठ जाते सुनने की केवल इच्छा प्रकाश कर दिया आज भागवत कथा हो रही है मुझे जाना है घर में है केवल इच्छा प्रकाश जो करते हैं स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं और जब कथा सुनते हैं भगवान उनके हृदय में जितने प्रकार के है काम क्रोध आदि है वो नाश कर दिया। बड़े बड़े योगी लोग जो तपस्या आदि के द्वारा काम क्रोध आदि के दमन कर नहीं पाते जीत नहीं पाते क्योंकि यह पर करें केवल कथा सुनने की साथ ही साथ उनकी सारी इंद्रिया भी प्रसिद्ध हो जाए जिनकी क्षण कमल की स्मरण करने के साथ ही साथ जीवन के समस्त प्रकार के अमंगल नाश हो जाए। प्रभु कितने कथाएं हैं उनकी चरण कमल की स्मरण करवाती बड़े बड़े जीवी लोग कठोर तपस्या करते हैं अपने इंद्रियों की जीत करें जितने के लिए काम क्रोध आदि जीतने के लिए संसार में जितने प्रकार के शत्रु जो है ये काम क्रोध की जगह इतने सहज नहीं है। बड़े बड़े मुनि लोग फेल हो जाते हैं विश्वामित्र जैसे कितने कठोर तपस्या करने वाले कठोर तपस्या भी करने लगे बस मेहनत आई और केवल अपनी भुजाएं माताएं वो पहनती है चुड़िया जो पहनती है इतना ही उनकी वजह से झिक 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 करने लगे बस विश्वामित्र के उतने कठोर तपस्या कहां चाहिए बस आंख खोल करके वो मेहनत के हाथ पकड़ करके नचना शुरू करें हाँ ऐसी बात क्यों हो वो भी छोड़ दीजिए ब्रह्मा जी की भी कथा आ जाती है नारद जी की भी कथा उसी प्रकार है काम को जितना ही सहज नहीं है उससे आगे की कथा भी वर्णन करेंगे शिव जी महाराज जतनेश्वर मुक्त महापुरुष जिस शिक्षा के लिए दिखा रहे हैं कोई अपराध ना होता देवादिदेव महादेव भी दिखा रहे हैं लोगों की शिक्षा के लिए लीला प्रकट जा रही है समुद्र मंथन से मंथन करके जब अमृत की कलश थी अब देवता वसु लोग झपटने लगे मुझे चाहिए लेकर के भगने लगे असुर लोग लेकर के भगने लगे उस समय स्वयं भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके उनसे हाथ से लेंगे मतलब बैठो तुम लोग तुम लोग दोनों भाई हो मैं ही लाती हूँ लाइन के लिए इतने सुंदर भगवान
महीने रूप धारण करके अपने सुंदर स्त्रियों के अनेक प्रकार भाव प्रवाह उसी प्रकार भाव प्रवाह के द्वारा दिखाने लगे और देवताओं के बिना उसने भी रोज दिखाया। उस समय भगवान के महीने के रूप देखकर के सब महीने को कथा तो लंबी है बहुत सुंदर कथा है। चर्चा होने लगे जब भगवान विष्णु के महीने रूप रूप कौन बन जाता है कैसे उनके सुंदर भाव क्रिया कला कौन बन जाता है। देख समाज समाज में चर्चा होने लगी। महादेव सुन करके विचार कर रहे मैं उस समय नहीं था प्रभु के निकट भगवान विष्णु के निकट जाकर बोले प्रभु आप मुझे अपने महीने स्वरूप मुझे दर्शन कराएंगे। मैंने सुना आप इतने सुंदर रूप धारण करके महीने स्वरूप मुझे दर्शन कराएंगे। भगवान कहने लगे शिव जी दोबारा सबको स्मरण करो दोबारा नहीं मेरे महीने स्वरूप देख करके तो महीने हो जाए। शिव जी कहने लगे मैं ज्योति हूं महाज्योति मेरे कुछ नहीं है मेरे इंद्र में तो संजय कर रहे हैं बजा भी हूं ज्ञानी भी हूं। तो भगवान कहने लगे शिव जी मेरे जो महीने स्वरूप जो है तुम समझ तुम्हारे ज्ञान महिला को और तुम्हारे इतने कठोर इंद्रिय आदि के दमन नहीं प्रभु आप एक बार थोड़ा मुझे दिखाइए ना बार बार जब बिड़बिड़ाने लगे प्रभु 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 दिखाइए दिखाइए महीने स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। उस समय भगवान विष्णु उन्होंने महीने स्वरूप बताया इतने उनके सुंदर दिव्य नारी स्वरूप जो है उसको देख करके शिव जी पागल हो और उसको हाथ से पकड़ने के लिए दूरी साथ में पार्वती बैठी हुई अरे पतिदेव ये क्या कर रही हो कान में कुछ सुनाई नहीं पड़े बस काम काम में अंधो हो जाने पर जैसे दौड़ते रहते हैं उस प्रकार शिव जी दौड़ने लगे। भगवान भी सारे ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांडों में घूमने लगे और शिव जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे केवल दो उंगली बक्ति जाते पकड़ने के लिए सारे ब्रह्मांड में घूमे उनके लमंडी कहाँ गए कोई भी पता नहीं है फिर घूम करके उसी स्थान पर आए आए तो भगवान विष्णु फिर अपने चतुर्भुज धारण करके तुम पर खड़े हो गए। शिव जी कहा मैं क्या लज्जित किसी प्रकार की वर्णन नहीं काम की जो जीत क्यों मालूम नहीं इसके साथ में आ गए बड़े बड़े मुनि ऋषि काम को की जय जीत नहीं मालूम किंतु कोई भागवत का स्मरण करे भागवत में अपनी स्थिति हो जाए अपने मन को एक बार डूब दिए काम काम क्रोध अपने आप जत्पाद पंकज पलाश भक्ता जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्ता भागवत में आया जिनकी चरण कमल की स्मरण करने के साथ ही साथ जीवन की सारी अनर्थ काम क्रोध आदि दूर हो गए। पाद पंकज कर्म जब पाद पंकज पलास विलास भक्त कर्मा संग्रहितम उद्रतयन्ति संतो तद बन्न रिक्त मतय जतय निरुद्ध श्रोता नमस्तम अरण भजवास एक बार भी भगवान वासुदेव के नाम लेकर के कीर्तन करें और वासुदेव की चरण कमल स्मरण करें भगवान प्रातः काल में मिल करके आप भगवान कृष्ण की चरण चिन्ह स्मरण करें उसमें 19 प्रकार के चिन्ह छपा है ध्वज वज्र अंकुश इसमें 19 चिन्ह है। चक्र के चिन्ह करने के साथ से हमारे सारे संसार के चक्र काम क्रोध आदि अपने आप हो नष्ट हो जाए इसलिए प्रातः काल में उठने के साथ ही साथ भगवान विष्णु के चरण को स्मरण करें
काम करो कि आप अपने आप संसार में तो रहना है, किंतु संसार में रहकर के काम करो कि कैसे जीते। जिस प्रकार कमल की पत्ता कमल की पत्ता पानी में रहने के बाद भी जैसे पानी को स्पर्श नहीं करता, ठीक उसी प्रकार भगवान की स्मरण नाम कीर्तन आदि करने से तो कमल के पत्ते के भांति इस संसार में रहेंगे, संसार की कोई वस्तु उसके पसंद नहीं। संसार में रहने की यही एक कला है, माया का है शक्तिकारी, फिर माया का संसार है, इस संसार में रहने की यही कला है। ये इस कला आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन की कला में सीखना चाहिए, बचने की एक कला में सीखना चाहिए, कैसे संसार में रहना है, इसको मैं कहता हूं द आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन की कला है। इस संसार में रहने के लिए यही कला है भगवान की स्मरण करें, भगवान की कीर्तन करें, उनकी चरण कमल की स्मरण करते रहें, तो आप काम क्रोध किसी प्रकार से करेंगे नहीं। और हम लोगों के नाम लेते लेते ही भवसिंधु स्थान, प्रभु के नाम करते ये भवसिंधु समुद्र सूख जाएगा और अपने आप इस समुद्र भव समुद्र के जो है पार करके चले जाओ। इसी एक कला है, इसलिए प्रभु के नाम ही करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत यही संदेश देते हैं, समाचार देते हैं, हे जी तुम मेरे भजन करो, प्रभु के भजन करो और कुछ करना नहीं, संसार में रहना मैं तो यही कहता हूं, संसार छोड़ना नहीं है, जोड़ो। मैं कहते हैं कभी छोड़ना के लिए मैं कहता हूं, कहता नहीं, जोड़ो, छोड़ना नहीं, क्या करो जोड़ो अर्थात प्रभु के साथ जोड़ो, संसार छोड़ के कहां जाओगे, कहीं भी जाओ तो माया तुम्हारे पीछे जाएगा, तुम कहां जाओगे, जंगल में जाओ उधर भी माया है, कहीं माया नहीं सर्वत्र है। जैसे व्यक्ति पानी में डूबे हुए तो पानी के सब पानी पानी है, इस संसार का माया है, कहां जाओ, इसे मैं कहता हूं छोड़ना नहीं जोड़ो, प्रभु के साथ जोड़ो, जोड़ो को कैसे, प्रभु के नाम ले, नाम की तरह प्रभु के साथ हमें जोड़ना है। किससे मतलब भागवत तुम ऐसे सुंदर जो हमारे धन चल जाए, निगम अदलब तदल तदलित फलन शुभम खादरंतम दवसुनितम पीपल भागवत रसमालम मुहुरो रसिका भूमि भाव का रसिकर भागवत जन इस मानव भागवत रूपी प्रपक्क फल गए अस्तुं देव विकल्प भेज की सुंदर अमृतमय फल भागवत जिसमें कोई गुठली नहीं है, छिटका भी नहीं है, केवल रस रस महारी ओ श्रीमद भागवत कैसे संसार में प्रकट हुए, प्रपक्क फल जैसे कहीं फल पक जाए यदि पेड़ से गिरे तो वो फट जाता है नष्ट हो जाता है, किंतु श्रीमद भागवत इस संसार में कैसे प्रकट हुई, बड़े हमारे गुरु परंपरा है कृष्ण भाई चतुर्मुख हम कृष्ण सेवन मुख ब्रह्म के नारद एवं मति नारद हो ही दे व्यास मत करें व्यास लाल पूर्ण गप्रु पद्म नाथ पति इस मन भागवतम इस प्रकार संसार में आए हैं संत कृष्ण इस भागवत कथा को जय ब्रह्मा जी के सुनाया इसे चतुश्लोक की ब्रह्मा चतुश्लोक भागवत कथा है और ब्रह्मा जी इस कथा को जय नारद जी के सुनाए नारद जी इस कथा को जो है व्यासदेव के सुनाए और व्यासदेव सुखदेव को स्वयं बात के सुनाए और सुखदेव को स्वयं बात इस कथा को परीक्षित महाराज को सुनाए इसी प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा ही इस संसार में प्रकट है इस श्रीमद् भागवत ऐसी उम्मीद मई ग्रंथ है ये केवल ग्रंथ नहीं है सच्चा भगवत स्वरूप है
व्याख्या तो बहुत सुंदर सुंदर है, समय के अभाव अनुसार कथा को आगे आगे बढ़ाना पड़ता है। इतने सुंदर सुंदर राग रखी दस नाम संभाव कथा में एक उदाहरण, एक समय संत व्यासदेव जी सारे ग्रंथों आदि की रचना करके मैंने आपको भी सुनाया तथा मानस उनकी चिंता जो है बहुत छीन हो गई। पता नहीं आज मन कैसे भटक रहा है, सरस्वती के नदी के किनारे पर बैठे हुए तुम्हारे मन की छिन्न के कारण क्यों तुम्हारे मन इतने क्यों भटक रहे हैं? पर जो अच्छे ने वैद्य होता है नानी देवी के बारे में वैद्य होता है आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होता है वो तुम्हारे नानी देख करके ही पता लगा देंगे तुम्हारे नानी में जो है ईड़ा पिंगला और ये क्या होते हैं सुषुम्ना, ये देखने से पता लगा देते हैं तुम्हारे शरीर तुम्हारी कौन सा बीमारी। किंतु नारद जी बात देखकर ही पता लगा देंगे। नारद जी कहने लगे बस तुमने जो ग्रंथ रचना की पुराना जो रचना और तुम्हारे ग्रंथ के पढ़ करके सभी के मन भटकने लगे। बोले मैंने क्या किया? बोले तुमने ग्रंथ में ऐसे लिख दिया सब भगवान लोग पढ़ते तुम्हारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ते जैसे मैं कहता हूं कुर्म पुराण भाई ऐसे को लगे कुर्मदेव से भगवान पूछा भगवान ऐसे लगे मत्स्य पुराण भाई पढ़िए ऐसे लगे मत्स्य भगवान विष्णु पुराण भाई पढ़िए ऐसे लगेगा स्वयं विष्णु भगवान है। शिव पुराण पढ़िए ऐसे आपको लगेगा शिव जी स्वयं भगवान है। महादेव की महादेव जी को पुष्प पढ़ने ऐसे लगेगा अरे भगवान यदि एक हो ऐसे क्यों? तो दूसरी क्या है तुमने जीवों के कल्याण के लिए यही लिखा मनुष्य के सर्वोत्तम गोल क्या है अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन जीवन की सर्वोत्तम जो है गोल क्या है कहां पहुंचना है तुमने तो इतने लिखे धर्म और तकान मोक्ष मुक्ति तक लिख दिया मुक्ति के आगे क्या चीज है ये तुमने नहीं लिखा। तीसरी जो है तुम कृष्ण लीलाएं का वर्णन किया तुम ठीक से वर्णन नहीं कहीं कुछ लीला इधर मिलेगा उधर मिलेगा वर्णन कर दिया जैसे गर्व संहिता आदि पड़े आपके पता लगेगा नहीं ये कहां की कृष्ण कौन सा कृष्ण है कृष्ण की कौन सा लीला आगे की पीछे समझ में नहीं आया। चौथे जो है तुम जीवों की सर्वोत्तम प्रेम जो है उस प्रेम के बारे में पुष्टिकरण नहीं गोपी प्रेम इसको तुम्हें कुछ वर्णन नहीं दिया इससे इसको तुम वर्णन करो। वैसे भी ने कहा नारद जी गुरुदेव मैं कैसे वर्णन करूं पर मैं भक्ति योग पालन करो भक्ति योग नमसी सम्मुख प्रणीते अमरे अपस्सल पुरुषम पूर्णम मयांच तदपाश्रयम। वैष्णव जी नारद जी की कृपा से भक्ति जो अनुसरण कर रहे और भक्ति जो के प्रभाव से साक्षात रूप में दर्शन किया भगवान अपस्सत पुरुषम पूर्ण उन्होंने दर्शन किया और पूर्ण पुरुष भगवान विष्णु के दर्शन किया परिणाम समझने साक्षात रूप में जैसे आप लोग दर्शन करें ठीक उसी प्रकार स्वयं वैष्णव जी पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान को दर्शन किया सुंदर श्याम सुंदर स्कंद शेखर स्मराज मुरली मनोहर इतना सुंदर स्वरूप उनके दर्शन किया जति सुंदरी दिव्य मुरली धर श्याम सुंदर इतना सुंदर स्वरूप दिव्य जो हाथ मुरली बंसी लेकर के विराजमान है
ऐसे सुंदर भगवान की जय स्वरूप। मन नमस्कार करते हुए तिरछी नजरों के द्वारा गोपियों की चित्त के जो है लुभा लिया। इतने सुंदर जमुना प्रभु बोले, जमुना देवी निकट में तलकल 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 करके प्रभु बोले। गोपियां जहां पर विराजमान कदम वृक्ष आदि है, तमाल वृक्ष आदि है, मई आदि अनेक प्रकार के पक्षी आदि विराजमान, अनेक प्रकार के कमल फूल आदि खिले हुए, जहां पर भ्रमर आदि गुंजन कर रहे, जहां पर अनेक पुष्प आदि खिले हुए, जिनकी सुगंध चाहे समस्त वृंदावन की महिम कर रहे, उस वृंदावन की ऐसे सुंदर रूप कौन वर्णन कर रहे। निकट में दो चार आदि सबली धवली ऐसे अनेक प्रकार के रंग बिरंगी अनेक गाल आदि है, हम्पा हम्पा रथ आदि कर रहे, सुंदर सुंदर बछड़ा आदि है, सुधर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कृष्ण जी इतने सुंदर दिव्य वृंदावन होता चिंता मणि प्रकट रत्न सुकल विचर लक्षाप्यत श्रुति रवि पादयंतम लक्ष्मी सत सत्स संभ्रम सिंभमान गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हमारे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी उसी प्रकार सुंदर दिव्य प्राकृत अलौकिक वृंदावन की जो महिमा वर्णन करती है, इतना सुंदर दिव्य वृंदावन वैद्य जी ने संदर्शन और क्या दिखा। ये जीव किस प्रकार माया के कारण मोहित हो जाते, संसार में कैसे बंध जाते, और वही जीव साधु संग सत्संग से कथा के श्रवण के द्वारा कैसे जीव संसार से मुक्त हो जाए, ये भी दर्शन है। बंधन अवमुक्त और क्या देखा। माया देवी जो जीवों की मोहित करने वाली दुर्गा देवी माया देवी सुता देवी दुरस्थिता दूर में खड़ी होकर के प्रभु की जय स्तुति आदि करता और अनुभव करने के पश्चात उन्होंने अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रकाश किया और इसमें उन्होंने पुष्टिकरण कर दिया। क्या एकतंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं एकतंस कलापुंस जितना मैंने वर्णन किया यह अवतार करने कृष्ण ही स्वयं भगवान रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा सम्पर्वत् परम कुमार गोविन्दम् आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदि पुरुषं तमहं भजामि। राम आदि जितने भी अवतार हैं सब कृष्ण से, कृष्ण स्वयं भगवान गोविंद में सुख सिद्धांत एक अवतारी होते हैं और एक अवतार होते कृष्ण के कहा जाता है अवतारी सोर्स ऑफ ऑल इंकार्नेशन समस्त अवतार के लिए उससे जो कहा जाता है उससे कहा जाता है अवतारी कहा जाता है और उनसे जितने भी प्रकट होते हैं उसके अवतार कहा जाते हैं अवतारण की जो होता है जिससे अवतरण होते हैं उसके अवतार करा जाता है। सुंदर ने दर्शन दिया ये भगवत दर्शन है और उन्हें भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया एकमात्र को भी प्रेमी सर्वोत्तम और कृष्ण के सर्वोत्तम भक्तों के द्वारा उद्धव आदि के द्वारा जगत में प्रचार कराया ये राधा प्रेम गोपी प्रेम सर्वोत्तम कृष्ण ने जितने भी लीलाएं हैं समस्त लीला में सर्वोत्तम जो लीला जो है रास लीला भी बन गई है श्रीमद् भागवत के यही वशिष्ठ है यह वशिष्ठ है। इस श्रीमद् ब्रह्मा के नारद जी अपने जीवन चरित्र की कथा सुनाया उन्होंने कैसे भगवान की प्राप्त की उन्होंने कहा दत्तदेव मैंने काशी पुत्र के जन्म लिया
चातुर मंत्र के समान इसी समय जो हम लोग बैठे हुए हैं, इसी समय संत महात्मा उनके गांव में निकट आ गए। संत महात्मा विराजमान हो गए। नाथ जी कहने लगे, मेरे माँ नित्य प्रत संत महात्मा की सेवा के लिए जाती थी, मैं उसमें केवल छोटा बालक था, 5 साल के बालक था, माँ के साथ नहीं जाती जाती। संत महात्मा ने थोड़ा बहुत सेवा कर दी। संत महात्मा मेरे प्रति बहुत प्रसन्न हो गए। ये संत महात्मा मुझे मंत्र भी दिए, बहुत सरल मंत्र था, मैं इनकी कथा भी सुन रहा। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, सब कर दू संत महात्मा जितने बड़े संत महात्मा होते हैं वो किससे प्रसन्न हो जाते हैं मेरे प्रति? कहते महाराज आपके लिए बड़ा एक महल बना देता हूं, महाराज आपके लिए 10 लाख रुपया दे देता हूं, जमीन दे देता हूं, बना देता हूं। उससे सच्चे से संत महात्मा जो होते हैं उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। जो नकली संत महात्मा होंगे वो कहे हाँ चेला राम मुझे दे दो 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया करोड़ रुपया दे, मेरे लिए ये बना दो वो बना दो। किंतु हमारे आचार्य बात करते हैं संत महात्मा होते हैं, सच्चे से संत महात्मा होते हैं, वो एक ही चाहते हैं कहते हैं अथाश करना करो और जीवन हाथ करना करो और कुछ करना नहीं। व्रत संत महात्मा क्योंकि क्या जरूरत है? शरीर धारण के लिए जितना मुझे जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र मिल जाए ठीक है, धन संपत्ति लेके क्या करेंगे संत महात्मा? संत महात्मा उसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं जो अत्यंत जय आग्रह के साथ कथा सुनते प्रसन्न। सुखदेव के सहित अपनी कृपा के किससे प्रसन्न हुई? कथा सुनते कुछ नहीं चाहिए, भेद कुछ नहीं है, अपने केवल मन को दे रहे बस कथा में आकर के बैठ जाओ। संत महात्मा कृपा के मन में सच्चे संत महात्मा देखते नहीं है हमारे इंद्र कितना, वो क्या करता है पैसा पड़ा प्रणाली कितना पड़ा है, हाँ ये नहीं देखते संत महात्मा। सच्चे जो संत महात्मा होते हैं उनके कुछ जरूरत नहीं होता है, बस वो देखते हैं मेरे कथा को कौन कितने परिमाण श्रवण करेगा। जैसे आप लोग श्रवण करते सुनो कथा को, भगवान यही चाहते हैं, सच्चे संत महात्मा वही चाहते हैं। धन संपत्ति क्या है? वो तो धन संपत्ति स्वयं छोड़कर क्या है, हमें क्या लेना है संसार में? ये दिशा में बीज है, जहर है, जिसके पास जितना ही संपत्ति आ जाता है उतना ही उनके दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो कामी क्रोधी भ्रष्टाचारी बन जाता है। इसलिए सच्चे संत महात्मा का तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कथा श्रवण करो और अपने भजन करो बस, और क्या चाहिए? जीवन को दे, जीवन धारण करने के लिए दो कपड़े तो, एक कपड़े तो चाहिए बस, नहीं चाहिए हम तो यही बोलते वास्तव नहीं सकते। भगवत भजन कथा को कितना परिवार श्रवण करते हैं वो संत महात्मा प्रसन्न होते हैं, और हजारों दान दक्षिणा दे दिया कथा सुनाई नहीं तो मुझे जीवन काट दिया, कोई बात नहीं है ना, आप कुछ ले जाएंगे ना संत महात्मा कुछ लेकर के जाएंगे। आप बताओ कुछ हम भी कुछ लेकर के जाएंगे ना, आप भी कुछ लेकर के जाओगे, तुम्हारी धन सुनती है पर पड़ेगा। कोई कथा भगवत कथा यही हमारी संभव है, सच्चे संत महात्मा वही चाहते हैं कथा श्रवण करो भगवत कथा। आ जाओ पहले कथा प्रारंभ के पहले आ जाओ और कथा समाप्त होने के बाद जाओ, हाँ और कथा पालन करो जीवन में। आइए कथा में वैसे जो नारद जी की प्रचार करने लगे संत महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए। मैं बालक था, छोटा बालक था, समझ भी नहीं आता था कि सब दे रहे 5 साल के बालक कहाँ समझ पाएंगे ना, किसी घर में बैठ गए तथापि मैं संत महात्मा के सन्निकट में बैठ जाता था,
उनके विशिष्ट ग्रहण अधिकार होता है उनकी सेवा। एक दिन एक संत महात्मा कृपा करके मुझे एक मंत्र दिए। क्या मंत्र दिया? बोलो सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे माँ मुझे जबरदस्ती छीन करके ले जाती थी
नारद गर्जन, किंतु संत महात्मा की अत्यंत प्रेम प्रति होने के नाते मैं जाना नहीं चाहता था, किंतु माँ ने चिंत कर लिया। एक दिन मैं प्रभु की प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं संत महात्मा के प्रति कैसे बनू, मेरे मार महो के चल में पड़ते जा रहा हूं, आप मुझे उठाइए प्रभु। प्रभु ने हमारी बड़ी सुन लिया, काफी सुन लिया। एक दिन मेरे माँ गाय गो दोहन कर रही थी, दूध काट रही थी, इतने शाम के समय थोड़ी अंधेरी हो गई, इतने समय पीछे से काले सांप नगिन सांप आकर के माँ के पीछे डंक दिया, बस मेरे माँ गिर गई मर गई। मैं इसी समय चिंता में कहूँ जी बहुत सुंदर, मैं अपने संसार को छोड़ करके मैं संत महात्मा चतुर्मास समाप्त होने के साथ संत महात्मा जब उस गांव को छोड़ करके चले गए, मैं भी जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते थे वहीं पर चले गए और उनकी कथा सुन मंत्र जप साधु संग अनेकों देशों को मैंने भ्रमण किया, भारतवर्ष के जितने तीर्थ स्थल आदि है समस्त दर्शन किया, कावेरी नर्मदा दक्षिण पश्चिम उत्तर भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल है नदियां भी है समस्त नदियों में मैंने स्नान किया, जितने बड़े बड़े संत महात्मा है उनकी चरण धूलि मैं सिर पर लगाया, प्रभु के लिए प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके बदल दर्शन दीजिए, रो रो करके फुट फुट करके मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करने लगे। एक दिन प्रभु जी मुझे बिजली के भांति दर्शन दिया, सुंदर रूप था, चतुर्भुज लोग सत्य चक्र गदा कस्त मणि के द्वारा सुंदर सुसज्जित ऐसे सुंदर प्रभु के दर्शन करने में मूर्छित हो गया, पता नहीं कितने साल तक मूर्छित रहने पड़े। फिर मूर्छा भंग होने के बाद वो पूर्व स्मृति होने के साथ ही साथ मैं प्रभु के प्रार्थना करने लगे, प्रभु और एक बार प्रभु के दर्शन कराएंगे। उस समय आकाश बनी हुई नारद दोबारा तुम्हें दर्शन नहीं, ये पांच भौतिक शरीर तुम्हारा जब छूट जाएगा दिव्य अपराजित शरीर में प्राप्त होगा तो मेरे वैकुंठ धाम तुम प्राप्त करोगे और उस समय मेरे दिव्य शरीर के तुम दर्शन करोगे। अब कुछ भजन करो, मैं अपने समय के लिए केवल मैं प्रतीक्षा करूंगा, बरफ के साथ प्रवास है, मैं मन ही सोचा मन ही मन सोचने लगे इस लोग जहां पर आगे नहीं रहेंगे जंगल में रहते हैं। ऐसे करते कि कुछ दिन बीत गए, इसके पश्चात समय आने पर मैं शरीर को छोड़ दिया और अपने दिव्य शरीर प्राप्त शरीर ट्रांसेंडेंटल बॉडी प्राप्त करके मैं वैकुंठ में जाकर प्रभु के दर्शन कर सकता हूं। इसी का जब जो कहा जाएगा मंत्र जब आदि की प्रभाव सीख भगवत के नाम का याद हो, मैं यही प्रार्थना करता हूं। या आप सभी लोग घर में रहे हैं कोई बात नहीं, आप डॉक्टर हो लॉयर हो टीचर हो बिजनेसमैन हो स्टूडेंट्स हो कुछ भी हो, किंतु प्रभु का नाम जपाते ज्यादा समय क्या करना है, मैं आप लोगों को ज्यादा समय के लिए ही कहता हूं। दिन और रात कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 23.5 घंटे 40 मिनट आप अपने लिए खाने पीना सोना संसार के काम करना सब कुछ के लिए, किंतु केवल प्रभु के लिए मैं कहता हूं कितने मिनट क्या करो 20 मिनट 23 घंटे 40 मिनट अपने के लिए लगाइए, कोई बात नहीं मना नहीं है। कहते महाराज भजन कैसे करें, मेरा पति देव ऑफिस जाते हैं काम करना पड़ता है, बेटा छोटा बच्चा भी काम करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना रसोई बनाना सब कुछ करना पड़ता है, कोई बात नहीं करो अपने संसार में रहने करना तो पड़ता है, दायित्व तो निभाना पड़ता है, निभाओ मैं माना तो नहीं कर रहा हूँ, फिर उससे 20 मिनट निकालो बस ज्यादा नहीं, कितना मिनट 20 मिनट सुबह 10 बार 10 मिनट दो माला करो प्रभु के नाम और फिर रात को सोने के पहले 10 मिनट नाम करो चार माला हो जाए,
आएगी, सिराने में माला गाने को जप करने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। मैं तो कर सकते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिए हैं, हवा किसने दिया? भगवान ने दिया। जल किसने दिया? भगवान ने दिया। सब कुछ तो भगवान ने, आहार भी वही दे रहे हैं, सब कुछ वो हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए यदि मेरे तो उतना ही ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है। प्रभु का दिया मेरे लिए, तुम क्या बोलोगे? मैं तुम्हें कुछ मांग रहा हूँ, मुझे क्यों दिया है, क्या दोगे तुम? कुछ चुराना नहीं है प्रभु का दिया, मुझे कुछ चुराना ही नहीं है, फॉर प्रूफ चुराना नहीं है प्रभु का दिया, ये तो तुम्हारे लिए है, तुमने बड़ सृष्टि किया नहीं भगवान ने तुम्हें, मुझे चलाने में कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं लक्ष्मी को देती हूँ, मेरे कोई अभाव नहीं, क्या चलाओ? एक ही तो चलाओ, मेरे नाम और तुम्हारे मन को चला दो, मन चला जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, ध्यान संपत्ति से पुत्र परिवार सब कुछ दिया, तो उनके लिए थोड़ा तो होना चाहिए। प्रभु कहते मेरे लिए तुम क्या करोगे, मेरे नाम जप करोगे? इतना ही तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, सुबह दो माला कर लो और रात को सोने की पहले दो माला करो, चार माला हो जाए तो यही ठीक है, अभी बढ़ाते नहीं ना, एक तो अभ्यास होता है, बाबा दो कदम चलते गिर जाते हैं कोई बात नहीं, फिर दो कदम चलते गिर जाते हैं, कभी दीवार पकड़ करके चलते हैं गिर जाता है, फिर चलना शुरू कर देते हैं तो देखते देखते दिन वो अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। मेरे कहने की इसी प्रकार है, यही महापुरुष शिक्षा है, जो प्रभु के नाम चला कुछ कर, इसमें भगवान प्रसन्न हो गए, भागवत कथा सुनने की यही फल है, प्रभु के नाम चला करो बस, धन संपत्ति और अपना नहीं, सदाचार पालन, काल खातन, कथा सुनाए, एक मित्र दूसरे मित्र के धन हड़प लिया, किंतु उसको देना पड़ा। हम सोचते हैं किसी से मैंने पैसा मांग लिया, किसी कुछ करके अभिमान करके अभिमानी कार्य दूसरे पर हड़प लिया, दूसरे के मैंने कुछ सताया, किंतु तुम्हें ऊपर में ठोकोगे तो ठोक कहाँ आएगा? ऊपर में उड़ करके नहीं जाएगा, वो कहाँ आएगा? तुम्हारी सीट पर है, तुम दूसरे के सताए हुए तो तुम्हें अगले जन्म में इस जन्म में कहीं भी तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। प्रभु सोम जरा इसे किसी के सताओ, भगवत भजन करो, जीवन की पालन करवा, ठीक है संसार में रहो, आप संसार बैठा ठाकुर जी हमारे लिए दोष ले आते हैं, जब हम राम बोलते हैं तो ठाकुर के काम खड़े रहते सुनने दीजिएगा, फिर हम धा बोलते हैं, धा बोलने के पश्चात ठाकुर जी हमारे किसी रोज ले जाते हैं, श्रीमती रामधुरा साहब मेरी स्वामी उनका नाम लेने से ठाकुर जी आपके हृदय में निवास करेंगे, और अपना जो प्रेम भक्ति आपको प्रदान करेंगे, जो हमारे हृदय में पापरूपी पक्षी बैठा हुआ है वो उनका नाम प्राप्त करने से तुरंत खुल जाएगा। जैसे कि बताया हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से ही बड़ा प्रभु का नाम है, चलिए पर बता दिया कलयुग केवल नाम का झाला, समझ समझ गए सही बात, कलयुग केवल नाम का झाला, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, केवल श्री हरि का नाम लेने से आप इस
और साधकता जाएगी। केवल नाम इतना साधारण रूप से प्रभु ने इस कलयुग में समझ कर दिया है, केवल प्रभु का नाम लेने से। जिसे प्रेम से आपको यीशु के राज्य में रहने का नाम लीजिए, दोनों हाथ ताली में साथ। जिसमें एकदा एक समय में विशाल में
संत महात्मा लोग अपने नाट्य पृष्ठाद यानी भवना आदि के पश्चात बैठे हुए भगवान की इच्छा से वहीं पर शुद्ध गोस्वामी पाद प्रकट हुए। उस समय समस्त संत महात्मा शुद्ध गोस्वामी पाद यथाथ आदर सम्मान करके मुझे आसन पर बैठाया। उनकी अर्चना आदि करने पर जब अर्घ आश्रम आदि जीवन के उनकी सेवा इसके पश्चात उस समय वो ऋषि लोग स्वर्णमार्ग ऋषि लोग शुद्ध गोस्वामी पाद के निकट छह प्रश्न किए। जिससे हमारे अंतकरण की प्रसन्नता हो वो हमें बताइए। दूसरे प्रश्न यह है जब दुर्वंश के रक्षक भक्त वत्सल सन भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पत्नी देवक के गर्भ से क्या कारण की इच्छा से प्रकट हुए ये हमें बताइए। तीसरी यह प्रश्न भगवान श्री हरि के मंगलमय अवतार कथा को आप वर्णन कथा मिली है। चौथा प्रश्न यह था भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम की अपराध दिव्य मधुर लीला चरित कथा आप वर्णन कीजिए जो कोई साधारण पुरुष वो कह नहीं सकते वो समस्त कथा श्रवण कराएंगे। पांचवा प्रश्न यह था इस संसार से पार होने के उपाय क्या है। छठवां प्रश्न धर्म से रक्षक ब्राह्मण भक्त जगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने के पर धर्म किससे स्मरण करेंगे इस कथा को हमें स्मरण कराए। प्रश्न भी अच्छी हो तो वक्ता प्रसन्न होने का एक गदगद हो जाते हैं और उस प्रश्न के उत्तर भी देते ही नहीं क्योंकि प्रश्नकर्ता के ऊपर भी वक्ता कुछ बोलते हैं। श्रोता अच्छा हो तो वक्ता भी अपने हृदय से सब कुछ निकालते हैं। आश्चर्य से वक्ता समस्त श्रोता श्रोता वक्ता के ऊपर ही सब कुछ हमें निर्भर करता है। वो कितने परिमाण सुनते हैं आग्रह के साथ तो वक्ता उस प्रकार देख करके ही बोलना शुरू करता है। अनेक प्रकार इस कथा को सुनकर के शुद्ध गोस्वामी पाद पहले अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी पाद के चरण में ना कर जन्म पुत्रे मुनि मानो वस् शुद्ध गोस्वामी पाद कहने लगे मेरे गुरुदेव महाराज से मैंने जैसे जैसे कथा को श्रवण किया उस कथा को आप लोगों के रिकॉर्ड में वर्णन कर पाया। इसी का विषय भागवत कथा कथा को से मुखारविंद से श्रवण करनी चाहिए। जो गुरुदेव के संग नहीं किया गुरुदेव के मुखारविंद से कुछ श्रवण नहीं किया क्या बोलेंगे अपने मनमानी ढंग से कुछ बोलते तो कुछ नहीं बोला। गुरु सेवा और गुरु के मुखारविंद से तथा श्रवण के द्वारा इसे शक्ति आई पोटेंशियल इसे स्वयं करने मैं अपने गुरुदेव के मुखारविंद से जैसे श्रवण किया आप लोगों के रिकॉर्ड इसी कथा को वर्णन करने जा रहा हूं। मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद
परीक्षित महाराज के सभा में जो कथा सब सुनाया भागवत कथा, उसी कथा को आप लोगों के ऊपर मैं प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए सुत गोस्वामी अत्यंत दीनहीन होकर के अपने गुरुजी की चरण वंदना गुरु कृपा के वरम, जब तक गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो हम लोग उस कथा को समझ नहीं पाए, अनुभव कर नहीं पाए। इस हमारे आत्मा की पान खाते पथमन पथमन तो गुरु बुला प्रतिष्ठित वो मम अर्चन। भगवान कहते हैं पहले गुरुदेव के अर्चन करो, पूजा करो, तत्पश्चात इसके पश्चात मेरी पूजा करो। गुरुदेव के जय भगवत स्वरूप जान करके उनकी सेवा भी करो। जस देवे प्रारंभि जथा देवे तथा गुरु तस्य के कदा जता प्रकाशन्ते महा गुरु भी गुरुदेव के प्रति पवन निष्ठा हो जाए तो अपने आप सारे तत्व अपनी लड़ने। इससे गुरुदेव के प्रति प्रधान निष्ठा मिल जाए, मिल जाए गुरु निष्ठा गुरु भक्ति, यही हमारी पारमार्थिक जीवन की सार का है। दिस इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुनिए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जितने प्रकार के ध्यान है सर्वश्रेष्ठ ध्यान कहा जाता है गुरुदेव के ध्यान करना चाहिए। पहले आप गुरुदेव को ध्यान करो, फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जितने प्रकार की पूजा अर्चना आदि के सबसे पहले पूजा किसके करो, गुरुदेव की करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जितने प्रकार के मंत्र तप जप मंत्र आदि जप करते हो सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्या है, गुरुदेव की वचन को पालन करना, आदेश को पालन करना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो मुक्ति यदि भगवत प्रेम तक प्राप्त कर। इसलिए समस्त शास्त्र में गुरुदेव की ही महिमा है। कृष्ण अप्रसन्न हो जाए गुरु तुमको रक्षा कर सकते, यदि गुरु अप्रसन्न हो जाए भगवान भी तुम्हें रक्षा नहीं। इसलिए गुरु प्रीते गुरु प्रसन्न हो जाए वैकुंठ वैकुंठ जीवन की ये भी सार है। सद्गुरु की सेवा उनकी प्रसन्न है, यदि जीवन में जिसके सद्गुरु मिल गया उनकी सेवा करो, उनकी प्रसन्नता करो। मैं भी एक ही बात कह रहा हूं, सद्गुरु और कुछ नहीं चाहते हैं, फिर कथा को श्रवण करो, मेरा आदेश भी पालन करो और कुछ नहीं। तुम्हें क्या है गुरु की क्या चाहिए, तो कैसे गुरु की कैसे। मैंने नाम बताया था ये सुखदेव का सिंह उपाद मंदिर गर्भ से जन्म लेके स्नान स्नान जंगल में रूप चल जिनके दर्शन करके समस्त जीव मुक्त हो प्रेम में दुख जम कभी तो मंत्र हो तो उत्तम दई पान गिरह लागर आज भाग पुत्रे की तरह तरोगी ने तो उत्तम सब जगह को मान पोषते। इसी प्रकार अपने गुरुदेव की महिमा के श्लोकों के द्वारा वर्णन करने के पश्चात कहने लगे महाराज के कहने लगे सरकार किसी सुनो प्रखिल महाराज की कथा सुनी, महाभारत की कथा प्रारंभ जिसमें कौरव और पांडवों की युद्ध जिसमें कुरुक्षेत्र में रणभूमि में सारे सैन्य लोग सब मारे गए, सब मारे गए, कौरव लोग सब हार गए।
धृतराष्ट्र के सब पुत्र भी मरे, दुर्योधन भी मरे, अंतिम भीम ने उसको मार दिया, उसको उद्भव कर दिया। उस दिन अंतिम दिन था, 18 दिन की अंतिम रात्रि था। दुर्योधन उस रणभूमि में पड़ी हुई है अकेला, रात्रि जिसमें कुत्ते आदि रात में भोग रहे थे, सियार आदि भोग रहे थे। अकेला मन केवल सांस अंतिम सांस तक। पांडव लोग कुछ विजय उत्सव मनाने के लिए जा रहे थे, हम बुला विजय प्राप्त हो। भगवान कृष्ण कहने लगे, पांडव युधिष्ठिर सुनो, जब तक दुर्योधन के अंतिम सांस नहीं जाए, निकल नहीं जाए, तब तक तुम सोचो तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं। जितने दूर तुम आगे उतने दूर तुम, उतने दूर तक तुम पीछे पड़ जाओगे। जानते नहीं सांप की थोड़ा सा कहीं प्राण कहीं रह जाए, हो सकता नहीं जाए, और आगे से तुम्हें काट काटे मर जाओगे। इसे तुम जब जय उत्सव मनाते जा रहे हो, नहीं नहीं मना मत, अभी तक दुर्योधन जीवित है। पर उसके जब भंग हो गया तो मरने वाला है, बनेंगे ऐसे मत सोचो। जब तक वो मर नहीं जाए सांप, जब तक मर नहीं जाए, और सांप के जब तक उसने दहन कर दिया जाए, जलाया नहीं जाए, तब तक उस मत सोचो। तुम सांप से, सांप है ना, तुम बच गए ऐसे मत सोचो। इसमें जो जहरी सांप होता है ना, हम लोग बचपन में देखा जहरी सांप जो मर जाते, उसको क्या करना पड़ता है, आग में जला दे, जब तक सही मत कर दिया। ऐसे भी सांप को मारा मर गया सोच रहे हो, वो बाजू बाहर नहीं होते, फिर तुम्हें आग को काटेगा। बोले ये इसी प्रकार है दुर्योधन, उसी प्रकार है। जब तक अंतिम सांस तक नहीं दे, जब तक उसे जला नहीं जाए युधिष्ठिर, तब तक तुम विजय उत्सव मत मनाओ, निखारते रहो। उनकी सांस अंतिम सांस निकल गए, उनको चलाया वास्तविक सत्य। भगवान लाल हरि पुरुषोत्तम कृष्ण, उनकी लीला कौन समझ सकता है। द्रौपदी के 5 पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न पांडव लोग चले विजय उत्सव मनाने के लिए। भगवान की क्या है, भगवान की इच्छा से उसी रात्रि में अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, रात्रि संसंग रात्रि घनाघोर अंधकार रात्रि, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, बिजली चमक रही थी, बादल कड़क रही थी, बारिश होने वाला, अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन के कहने लगे, मित्र तुम तो मुझे एक दिन के लिए भी प्रधान सेनापति पद नहीं मिला, यदि एक दिन के लिए तुम मुझे प्रधान सेनापति के पद दे देते, तुम्हारी यह दशा नहीं होता, मैं तुमको विजय प्राप्त कर सकता, तुम्हारे हाथ में सब कुछ दे देता, पांडवों की मस्तक आकर तुम्हारे पास दे देते, किंतु तुमने तो मुझे एक दिन के लिए भी सेनापति पद नहीं दिया, विष्णु पिता को दिया, द्रोणाचार्य के दिया, किंतु मुझे एक दिन के लिए दे देते, 18 दिन आ गए, 10 दिन के लिए तो तुमने विष्णु पिता पिता को दे दिया, मैंने कहा अरे एक दिन के लिए केवल मुझे सेनापति के पद दे दो, प्रधान सेनापति के पद मेरे पास आ गया, मैं देख लेता हूं। हाँ इतना ही तो मेरा, इसलिए मित्र
आज तुम नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे दुख मैं देख नहीं पा रहा, सहन कर नहीं पा रहा, क्या करूं। उस समय दुर्योधन वृद्ध ये कहने लगे, मित्र मैं क्या करूं, जो काल ही बलवान सर्वं कालं कृतं, जो कुछ भी होता है काल ही सब कुछ करा देते हैं, हम क्या करें, जो बने वालों से है। तथापि वो कहने लगे, आज केवल इसी रात्रि के लिए मुझे उनका जीवित होना, इसी रात्रि के लिए मुझे तुम सेनापति, एक रात्रि के लिए मुझे सेनापति बना दो, तुम्हारे शत्रु पांडवों की सीर लेकर तुम्हारे बाजी देता हूं, तुम्हारे मृत्यु